नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आपके इस हमारे YouTube चैनल में स्वागत है आप सभी लोगों का। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने पढ़ाई शुरू कर दिए होंगे। ऐसे ही पढ़ते रहिए। आप लोग कमेंट मुझे मिल रहे हैं और कमेंट में आप लोग अपनी समस्याएं भी रखिए। अब हम आते हैं अपने विषय पे। हमारी कहानी अब गुलाम वंश के कुतुबुद्दीन से आगे बढ़ते हुए, हमने पिछले कहानी में बताया था कुतुबुद्दीन के बारे में, आप जाकर के वीडियो में देख सकते हैं। तो अब हम आते हैं इल्तुतमिश के। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी था, उसका पुत्र नहीं था, उसका दामाद था। अब हम आते हैं इल्तुतमिश के बारे में। इल्तुतमिश 1210-11 से 1236 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत में सुल्तान बना रहता है। जब इल्तुतमिश शासक हुआ तो उसकी भी राह आसान नहीं थी, उसके भी प्रतिद्वंद्वी थे, जैसे कुतुबुद्दीन के समय थे, क्योंकि कुतुबुद्दीन का शासन तो बहुत ही अल्पकाल में था, तो सेम प्रतिद्वंद्वी उसके भी थे, गजनी का यालदूज और कुबचा, नसरुद्दीन कुबचा और तजाउद्दीन यालदूज दोनों थे। जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई तो गजनी में, जो कि अपने आप को मोहम्मद गौरी का उत्तराधिकारी बोलता था, तजाउद्दीन यालदूज ने गजनी पर शासन कर लिया था और पंजाब सिंध प्रांत में गजनी के उत्तराधिकारी मानते हुए नसरुद्दीन कुबचा ने अपना शासन कर लिया था और भारतीय क्षेत्र के अंदर कुतुबुद्दीन ऐबक जिन पे शासन कर रहा था उन्हीं का उत्तराधिकारी पद इल्तुतमिश को मिलता है। तो इन क्षेत्रों पे गजनी का अधिकार को सिद्ध करने के लिए यल्दूज ने आक्रमण करता है कुतुबुद्दीन ऐबक पे, लेकिन 1215 के तराइन में एक युद्ध होता है जिसमें यल्दूज पराजित होता है और वह दोबारा पुनः कभी भी भारतीय साम्राज्य के गजनी के अधिकार का अपना अधिकार सिद्ध नहीं करता है। इसी क्रम में 1217 में इल्तुतमिश ने नसरुद्दीन कुबचा को भी हराया था और उसको पंजाब के बाहर कर दिया था, पंजाब क्षेत्र तक इसको अपना अधिकार कर लिया था। 1228 में सिंध के एक युद्ध में नसरुद्दीन कुबचा का पुनः इल्तुतमिश से युद्ध होता है, उस युद्ध में सिंध नदी में गिर करके कुबचा की मृत्यु हो जाती है। तो इल्तुतमिश जब शुरुआती दौर में शासक बनता है तो इसको कुलवी और मुइज्जी, यानी कुलवी सरदार यानी जो कुतुबुद्दीन ऐबक के समय के सरदार थे, मुइज्जी सरदार यानी जो मोहम्मद गौरी के समय के सरदार थे, इन सबसे संघर्ष करना पड़ता है, उनके विद्रोहों का दमन करना पड़ता है। इन्हीं विद्रोहों को दमन करने के क्रम में इल्तुतमिश ने तुर्काने चहलगामी, जिसे चरगान भी कहते हैं, की स्थापना की। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि अक्सर एग्जाम पूछा जाता है कि तुर्काने चहलगानी या चरगान की स्थापना किसने की थी, यह क्या है। यह 40 सरदारों का एक गुट है, प्रजा पर नियंत्रण करने के लिए, विद्रोहों को दबाने के लिए, शासन को सुनिश्चित रूप से चलाने के लिए और सभी लोगों का सहयोग प्राप्त करने के लिए 40 सरदारों का एक गुट, जिसे तुर्काने चहलगानी या चरगान कहा जाता है, की स्थापना या गठन इल्तुतमिश ने की थी। मैं यहाँ पे एक बात और बता देना चाहूँगा, यही चहलगानी आगे चल के इल्तुतमिश के वंश के पतन का कारण बनती है। लेकिन इल्तुतमिश ने जिन परिस्थितियों में इसका गठन किया था वह इसके प्रतिकूल थी, तभी इसने गठन किया था। अब 40 चहलगानी के गठन के बाद इल्तुतमिश अपने साम्राज्य को मजबूती करने और इसके शासन व्यवस्था को सुनिश्चित करने की तरफ अपना कदम बढ़ाता है। लेकिन तभी 1220-21 में इसके ऊपर एक बहुत बड़ा संकट आता है। एक कहानी है कि चंगेज खां की सेनाएं सिंध तक चली आई भारत पर आक्रमण करने के लिए, लेकिन इल्तुतमिश की थोड़ी सी दूरदर्शिता से उनका टकराव नहीं होता है। कहानी यह थी कि जलाउद्दीन मुखबरनी जो कि ख्वारिश के शाह का पुत्र था, इसका प्रेम प्रसंग
चंगेज खां की पुत्री से चल रहा था। इसका पता होने पर चंगेज खां इसको मृत्युदंड देने के लिए पकड़ता है। यह भागते 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 भारत में प्रवेश कर लेता है। चंगेज खां के दूत ने इल्तुतमिश को आगाह किया कि अगर तुम इसको शरण दोगे तो तुमको चंगेज खां के प्रकोप का सामना करना पड़ेगा। इल्तुतमिश अपने शासन के गठन प्रारंभ भी कर रहा था तो वह ऐसे एक शक्तिशाली शासक से युद्ध नहीं करना चाहता था, इसलिए उस युद्ध को इसने टाला और उस मुखबरनी को इसने अपने शरण में नहीं लिया। हालांकि वो 1228 तक भारत में रहा लेकिन इल्तुतमिश के शरण में नहीं था। 1228 के जाने के बाद भारत से उस मुखबर जलालुद्दीन मुखबरनी के निकलने के बाद से चंगेज खां के आक्रमण से भारत को मुक्ति मिलती है और भारत में मतलब उसका खतरा टल जाता है। अपने शासन के विस्तार के क्रम में 1225 में बंगाल को, 1226 में रणथंभौर को और 1227 में परमार के राजा पर इल्तुतमिश अपना अधिकार करता है, अनेक युद्धों में करता है। 1227 में नागदा को लेकर के मेवाड़ के राजा जैल सिंह से इसका प्रसिद्ध भूताल का युद्ध होता है। हालांकि वह उस युद्ध में यह जीत नहीं पाता है और पराजित भी नहीं होता, युद्ध की अनिर्णायक रहता है लेकिन ये भूताल का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट। 1227 में मेवाड़ के राजा जैल सिंह और इल्तुतमिश के बीच में होता है। 1231 में इसने अपना प्रसिद्ध ग्वालियर का आक्रमण किया मंगलदेव के विरुद्ध। ग्वालियर पर विजय के उपरांत ही इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी अपनी पुत्री रजिया को घोषित किया था। बाद में यह विवाद का कारण बनता है, हम कहानी में आगे बढ़ेंगे। लेकिन इल्तुतमिश जिसको गुलामों का गुलाम कहा जाता है क्योंकि यह कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था, इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है और दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को ही कहा जाता है क्योंकि छोटे से अल्पकाल में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली के शासन को सुदृढ़ नहीं किया था। इल्तुतमिश ने ही अपनी राजधानी, दिल्ली सल्तनत की राजधानी लाहौर से दिल्ली में स्थापित की। 1233 में चंदेलों के विरुद्ध, 1234-35 में उज्जैन के खिलाफ इसने सफलता प्राप्त की। लेकिन अब तक इल्तुतमिश अपने आप को खलीफाओं से मान्यता नहीं लिया था। इससे पहले वीडियो हमने बता दिया था कि खलीफा कौन होते हैं और किसी भी मुस्लिम शासक को, साम्राज्य को खलीफाओं से मान्यता लेने का क्या कारण होता था, उनसे मान्यता लेने के बाद उनमें क्या परिवर्तन होते थे और क्यों जरूरी होता था। तो 1229 में बगदाद के खलीफा द्वारा कुतुबुद्दीन ऐबक अपने शासन को पूर्णतः मान्यता दिलवाता है और कुतुबुद्दीन ऐबक को सुल्तान आजम यानी कि महान शासक का खिताब प्रदान करते हैं और कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश सुल्तान आजम का खिताब देते हैं और खुद इल्तुतमिश ने नासिरे अमीर मोमिनीन की उपाधि ग्रहण करता है। इल्तुतमिश के निर्माण कार्यों में इसने 1229 में कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया तथा इसने बदायूं की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया तथा नागौर में आतकीन दरवाजे का निर्माण करवाया। कुतुबुद्दीन का अन्य भी निर्माण कार्य थे। इस छोटे से इल्तुतमिश के निर्माण कार्यों में सर्वप्रथम 1229 में इसने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। कुतुब मीनार का कार्य जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने अधूरा छोड़ दिया था और उसके बाद 1229 में इस निर्माण कार्य के पूरा होने के बाद बदायूं की जामा मस्जिद का निर्माण इल्तुतमिश करवाता है तथा नागौर में आताकीन दरवाजे का निर्माण इल्तुतमिश करवाता है। इस वीडियो में जल्दीबाजी में मेरे मुंह से कहीं कहीं इल्तुतमिश के जगह कुतुबुद्दीन ऐबक शायद निकल गया हो, वो तो आप उसको इग्नोर करिएगा, ध्यान दीजिएगा क्योंकि हमारा टॉपिक इल्तुतमिश चल रहा है, क्योंकि थोड़ा सा घबराहट में और हो जाता है, आप लोग समझ सकते होंगे। क्योंकि जो इस कहानी में फ्लो बनाने के लिए
मैं बोलना चाह रहा हूँ, अगर मैं उसको रुक रुक के बोलता हूँ तो कुछ बच्चे बोल रहे थे सर आप क्या भूल जा रहे हैं क्या, तो भूलने का नहीं है, मैं मेरे पास वो उपयुक्त शब्द नहीं मिल पाते हैं कि जो जहाँ पर उसको प्रयोग करके मैं आपको एक सरल भाषा में इस कहानी को समझा सकूँ। उन उपयुक्त शब्दों के चयन के लिए मैं एक दो सेकेंड के लिए रुक जाता हूँ, आप लोग उसके लिए घबराइए मत। भारत में इल्तुतमीश पहला ऐसा तुर्क शासन था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के ढलवाए। इसके पहले कुतुबुद्दीन अवैध के समय में जो भी सिक्के थे छोटे छोटे सोने के सिक्के होते थे, लेकिन इल्तुतमीश ने दो महत्वपूर्ण चांदी के सिक्के, एक टगा टका लगभग 175 ग्रेन का, दूसरा तांबे का जीतल चलवाया और इसने इस पर अपना उल्लेख खलीफा के प्रतिनिधित्व के रूप में किया है और उन सिक्कों पर टकसाल का भी नाम अंकित करने की प्रथा इल्तुतमीश ने ही प्रारंभ की थी। इल्तुतमीश एक महान योद्धा और एक महान प्रशासक भी था, लेकिन उस समय की परिस्थितियों में जो उसने किया, जो उसको समझ में आया, उसने अपने शासनकाल को, उसके शासनकाल को देखा जाए तो तीन भागों में बांट सकते हैं। पहला शासनकाल उसका 1210 से 1220 का होता है, जिसमें वह कुलबी और मोहम्मद गौरी के समय के सरदारों के विद्रोहियों से लड़ता है। उसके बाद उसका दूसरा भाग हम 1221 से 1227 को कर सकते हैं, जिसमें वह चंगेज खां के आक्रमण से अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। हालांकि चंगेज खां का आक्रमण भारत पर हुआ नहीं था, लेकिन फिर भी उसकी चंगेज खां इतना शक्तिशाली शासक था कि उसके नाम से ही उस समय के सुल्तान कांप जाया करते थे। तीसरा भाग उसका 1227 से 1236 को एक और महत्वपूर्ण कार्य के लिए याद किया जाता है। इसने इक्ता प्रथा का प्रचलन किया था, इक्ता प्रथा जिसने सामंतवादी प्रथा का अंत किया था। ये इक्ता प्रथा अपने शासन को मजबूत करने के लिए और शासन के स्थापना के शुरू के चरण में इस इक्ता प्रथा को लाभदायक समझ के इल्तुतमीश ने इसको अपने समाज में लागू किया था। इक्ता प्रथा को समझ लीजिएगा, इक्ता प्रथा में शासक सुल्तान किसी भी व्यक्ति को किसी भी क्षेत्र की जमीन और उसका प्रशासन, जमीन खासतौर से कलेक्ट्री कह सकते हैं हम लोग, उसका दे देता था। उसी से और उसको एक सेना रखनी पड़ती थी, वह सेना हमेशा सरकार के अपने पास राजा के प्रतिनिधि के रूप में रखता था, राजा की सेवा में हमेशा भेजता रहता था और वह उसी से अपना खर्च चलाता था, अपना वेतन लेता था और राजकोष में पैसे जमा करता था। लेकिन इल्तुतमीश ने इस इक्ता प्रथा को एक सरकारी नौकरी की तरह कर दिया, क्योंकि उन इक्तादारों का तबादला भी करता रहता था। ऐसा नहीं कि कोई इक्तादार एक ही जगह हमेशा रहता था, इन इक्तादारों की तबादला करने की नीति से यह इक्तादार एक जगह अपनी शक्ति को एकत्रित नहीं करते थे और अपने आप को शक्तिशाली करके नहीं कर पाते, जिससे विद्रोह का खतरा सुल्तान के ऊपर नहीं रहता था। इल्तुतमीश ने अपने द्वारा बनवाए गए सिक्कों पर शक्तिशाली सुल्तान, साम्राज्य व धर्म का सूर्य तथा धर्मनिष्ठों के नायक के रूप में अपने आप को अंकित करवाया। इल्तुतमीश की तीन मुख्य बातें, पहली चहलगानी, दूसरी शुद्ध अरबी सिक्के, चांदी के दो सिक्के टका और तांबे का जीतल, तीसरा इक्तादारी, जिसने इल्तुतमीश के शासनकाल को बहुत मजबूती और दूरगामी परिणामदायक बनाया। ग्वालियर विजय के उपरांत इल्तुतमीश ने अपना उत्तराधिकारी अपनी पुत्री रजिया को नियुक्त किया था, घोषित किया था, नियुक्त किया था। कुछ इतिहासकार यह बोलते हैं कि बाद में इल्तुतमीश ने अपना निर्णय बदल दिया था, लेकिन उसका प्रमाण नहीं मिलता है। लेकिन इतिहास में पहली बार पुत्रों के होते हुए भी
एक राजा, एक सुल्तान अपना उत्तराधिकारी अपनी पुत्री को नियुक्त करता है, यह एक बहुत बड़ी घटना मानी जा सकती है और मानी जाती भी है। 1236 से 1240 के बीच में रजिया का शासन आता है, क्योंकि 30 अप्रैल 1236 में एक अभियान के दौरान इल्तुतमिश का बीमार हो जाता है और 30 अप्रैल 1236 को उसकी मृत्यु हो जाती है।